जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच। जिस तरह तुसी वेख सकदे हो अज असी स्टूडियो तो नहीं बट एक खास लोकेशन तो तुहाडे नाल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इनफैक्ट जून दा महीना शुरू हो चुका है। इस पूरे आन वाले दिनों दे विच इन दिनों दे विच असी स्पैशल ट्रिब्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सिख इतिहास दे विच किस तरह की उचाइयां चढ़ाइयां अते किस तरह के संघर्ष रहे हैं उन सारे बारे गल करांगे। बट साडा जो इतिहास है वह सिर्फ त सिर्फ ट्रैजेडी दे नाल नहीं जुड़िया होया, किन्नी अकॉम्पलिशमेंट्स दे नाल जुड़िया होया है। इस इतिहास दे नाल अज दी प्रोग्राम की शुरुआत करदे हां। मेरे नाल लाइव ऑडियंस जुड़ी हुई है, मेरे नाल एक पैनल जुड़िया होया है। तो मैं तुहानू सारयां नू इस प्रोग्राम दे विच एक वारी फिर निघा स्वागत करदी हां। सब तो पहले तो साडे पैनलिस्ट नू स्वागत करदे हां। तुहानू सारयां नू अज दा मुद्दा प्रोग्राम दे विच स्वागत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जी, तुसी अज साडे नाल पहुंचे हो। बहुत एक ऑल इनकंपसिंग वर्क लैके साढ़े नाल प्रोफेसर मनजीत सिंह जी जुड़े हैं, साबका जथेदार अकाल तख्त साहब, एंड ऑफकोर्स गुरुद्वारा साहब बाबा मखन शाह लुबाना जी दे प्रधान दलेर सिंह जी। अज असी एक एहो जी किताब बारे तुहानूं दसन जा रहे हैं। किन्ने सालों की रिसर्च तो बाद एक किताब अज साढ़े तक पहुंची है। इस किताब दे विच एक सिंपल मैसेज कि सिख बरादरी भावें असी उस बरादरी दे विच वक्ख वक्ख डिविजन्स पा लईआं बट वो बरादरी एक रहेगी। डॉक्टर साहब, इस बरादरी दे इतिहास बारे, इस किताब बारे, जीवन बतीत बाबा मक्खन शाह लुबाना जी एंड किस तरह साढ़े सारयां दा इतिहास उहदे नाल जुड़िया होया है, इहदे नाल शुरू करदे हां। बिल्कुल अश्मिता, दरअसल इतिहास दे विच कोई भी कारज अंतम नहीं हुंदा और यह भी नहीं कहा जा सकता कि नवा कारज है। मेरे तो पहला बहुत सारे लेखकां ने, बहुत सारे इतिहासकारां ने इस खेत्र दे विच जां इस विषय ते मजबून दे उपर कारज कीता होया। पर ज्यों ज्यों समा बीतता है तुहाडे सामने कुछ नवे जिहड़े अथेंटिक सोर्स हिस्ट्री दे सामने आउंदे ने, तां त्यों त्यों तुहानूं इंज लगदा है कि इस इतिहास दे विच जिहड़े पए होए गैप ने उन्हां नूं पूरिया कीता जा सकदा है, कि सारे इतिहास नूं इक क्रोनोग्राफिक फेस विच जोड़िया जा सकदा है। सो पहलियां जिहड़ियां साडी समस्या सी इस किताब दे विच कि इतना लंबा समा लग्गण दी, उहदा इक कारण सी कि कुछ स्रोत भट्ट अखरी दे विच सी जिहड़ी भाषा हुण साडे चों तकरीबन खत्म हो चुकी है। दूसरा सी कि जदों असीं टैक्सट एडिशन की गल करते सी कि तो बहुत सारे लुबाणकी बोली दे शब्द सी जिहड़े अज हौली हौली साडे परिवारां दे विचों खत्म हो गए ने। तीसरे जिहड़े समकाली मुगल इंपीरियल कोर्ट दे जिहड़े साडे कोल रिकॉर्ड सी उह सारे परशियन दे विच सी। और एक सब तो वड्डी जिहड़ी ट्रैजडी सी कि जदों कुछ स्रोतां दा पंजाबी अनुवाद होया भी है, जदों ट्रांसलेशन हुईआं भी ने, तां उहदे विच बहुत सारे जिहड़े उहनां दे चैप्टर ने उह कट दित्ते गए। हुण मैं तुहानूं दसदा कि मेरे सामने एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम इह आ रही सी कि एक स्रोत दे विच औरंगजेब की जिहड़ी डायरी है, जिहड़ी उसकी अंपीरियल कोर्ट की डायरी है मुअसर आलमगीरी, उहदे विच भागू वणजारिया दा जिक्र आउंदा सी जिहड़ा बाद दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल शहीद हुंदा है ते भाई मनी सिंह दे परिवार दे विचों। सो उन्हां दा जिक्र आउंदा सी पर जदों मैं जिहड़े उहदे पंजाबी अनुवाद होए ने जदों मैं उन्हां दे विचों लभदा सी ते उह नहीं सी हैगा। फिर उहदे करके उस फारसी स्रोत नूं लभणा ते फिर उहदे विचों उस रैफरेंस नूं लैणा, क्योंकि इतिहास जेकर तुसीं बिना रैफरेंस ते विदाउट एनी सोर्स लिखदे हो तां फिर मेरे ख्याल दे नाल कल्पना तां हो सकदी, इतिहास नहीं हो सकदा। सो इस नूं मैं कोशिश कीती शुरू करन दी कि जदों आरियन इनवेजन तों बाद जदों शकस्तान तां जिहड़ी साडा मध्य एशिया है उस खिते दे विच्चों जिहड़े कबायली लोग इत्थे आउंदे ने, जिन्हां दे विच दो तरह दे लोग ने, मंड एंड बैड्स, जिन्हां दे विच्चों एक खेती करन वाले ने, एक व्यापार करन वाले ने। सो उत्थों शुरू करके वह इत्थे अपनियां किस तरह दा संघर्ष भरिया जीवन है, जिस तरह तुसीं अजकल फिल्मां च वेखते हो ना गेम ऑफ थ्रोन्स, बिल्कुल उस तरह का जीवन है कि किन्ना संघर्ष करना पै रहा, सर्वाइवल दे वास्ते लड़ना पै रहा, अपने साहित नूं रचिया जा रहा, तलवारबाजी की जा रही है, व्यापार किया जा रहा। और उहदे तों
बाद एक अंपीरियल जेडे प्रिंसली स्टेट्स ने उन्हां दी कायमी करनी उहदे तो बाद फिर तकरीबन 1290 तो 1310 दे विच अलाउद्दीन खिलजी दे हमले शुरू हो जांदे ने फिर उन्हां स्टेटां दा उजड़ना ते फिर उन्होंने दक्षण दे विच हिजरत करके जाना दक्षण दे विच हिजरत दे बाद उन्हां दी जिहड़ी एक रियासत कायम हुंदी है जिहड़ी सिंघा नायक स्थापित करदा है उन्हां दे उन्हां समयां विच तकरीबन 1424 दे विच श्रीलंका दे नाल व्यापार शुरू हो जाना समुद्री व्यापार उहदे तों वी पहलां शुरू हो चुका है सो फिर उत्थे जा के एक रियासत कायम करनी फिर उस रियासत दा आपसी रियासतां दे नाल इक तरह दा ग्रह युद्ध उह रियासत हत्थों खुसणी फिर उस तों बाद जिहड़ियां साल्ट रेंजेस ने जिन्हां नूं लूण दीआं खाणां असीं कहिंदे आ जेलम दे कंढे दे उपर उत्थों चल के इत्थों तक उस सारे व्यापारक खेत्र दे विच काबज होना सो बड़ा सुभाविक जे असीं जदों शब्द नूं परिभाषित करदे हां तां कह दिंदे हां कि लूण दे व्यापारी लुबाणे पर जिन्हां खेत्रां दे विच बाबा मक्खण शाह लुबाणा जां उहनां दे जिहड़े वडेरे ने जदों मैं जित्थों शुरू कीता बाबा सौण जी तों बाबा अरथा जी बाबा बिन्ना जी बाबा दासा जी बाबा मक्खण शाह लुबाणा जी सो जित्थों मैं शुरू कीता है उहनां समयां दे जदों उहनां दा उह व्यापारक खेत्र है तां उत्थे खाण वाले लूण दी तां कोई कमी नहीं है सो दरअसल ये सी कि जे उन्हां समयां दे च इन्नी अलीट क्लास है उन्हां दा आर्थिक पद्धर इन्ना उच्चा है कि वह जहाजां दे मालक ने टांडियां दे मालक ने सो किते ना किते उन्हां दी आर्थिकता दा स्रोत भी बहुत वड्डा है सो वह जिहड़ा आर्थिकता दा स्रोत सीगा वह सीगा साल्ट बैटरी जिसनूं वाइट गोल्ड कहा जांदा सी पोटाशियम नाइट्रेट जिहड़ा कि बरूद बनाउण दे च काम आउंदा सी असीं पंजाबी च उहनूं शोरा कहिंदे आ सो आ जा के यह सारे कुछ तत्थ सीगे जिन्हां तत्थां नूं इस किताब दे च देण तों बिना उन्हां दी आर्थिक हालात जां उन्हां अलीट क्लास दे विच गिणिया जाणा उहनूं समझणा बहुत औखा सी फिर सब तों वड्डी गल हुंदी है कि जदों मटीरियलिज्म दे विच बंदा आर्थिक पद्धर ते बहुत उच्चा हो जांदा ना उह धर्म तों टुटदा अज भी समाज वेखदे ना जिहदे कोल जिन्ना पैसा हुंदा है उह हौली हौली धार्मिक कदरां कीमतां तों दूर जांदा क्योंकि उस मटीरियलिस्टिक लाइफ नूं उह सैलीब्रेट कर रिहा हुंदा पर इत्थे गल वक्खरी है इत्थे उह इन्ने अमीर ने हुण लक्खी शाह वणजारा जिहड़े ने मैं इहदे विच अज वी जदों असीं गल करदे आ मैं तुहाडे नाल गल कर रहा सी कि जदों असीं अज देश दी जीडीपी दी गल करदे आ ते 4 to 5 दे विच टिक जांदी 8 तों कदी घट ही वधदी आ इंडिया दी हिंदुस्तान दी जीडीपी हाँ। जी ते जदों असीं इहनां दे समें दे विच जेकर अज दे हिसाब नाल उहनूं रेशियो च वेखदे आ ते 28 कुछ बणदी आ ते चार वड्डे व्यापारी ने जिन्हां दे सिर दे उपर टिकी होई आ भगवंत सिंह बंगेशरी दा परिवार लक्खी शाह वणजारा दा परिवार मक्खण शाह लुबाणा दा परिवार ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1611 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ 1709 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 92 ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ 92 ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਥਾਪਿਆ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨਗਾਈਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਅਸਰੇ ਆਲਮਗੀਰੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਟੇਟ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਹਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚੈਪਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੀ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀ ਮਕਸਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੀ ਮਾਣ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ 9 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ, ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ
धियां पुत्र हाँ। इस एडी महान विरासत दे असीं अगों वारस हाँ, तो यह विरासत असीं छड्ड किदां दित्ती? इस विरासत वल साडी पिट किवें होगी? असीं दुनिया की भीड़ विच क्यों गवाच गए? दुनिया वांग क्यों जीण लग गए? उन्हां नूं खालसा जी के बोलबाले दे अर्थ समझाउणगे। पंथ की जीत का मतलब की हुंदा है? धर्म का जयकार की हुंदा? इन्हां ने धर्म का जयकार किया। इन्होंने गुरु के शब्द का सदका ना केवल अपने कम्मां काजां विच वपार दे विच बरकतां हासिल कीतियां, बल्कि उन्हां बरकतां दे करके गुरु दियां मिलियां होईयां बख्शां दे करके शुकराने विच जीवे, ते ओह शुकराना गुरु दे परउपकारां दा इन्ना ज़्यादा उन्हां दी आत्मा विच, उन्हां दे हिरदे विच, उन्हां दी चेता शक्ति च वसिया पिया सी कि जदों भी किते लोड़ पई उन्हां नूं कि हुण सानूं इत्थे आ के जीवन च रुकावट पै रही है, हुण साडा गुरु तों बिना गुजारा नहीं जी। सब अकलां सियाणपां छड के गुरु दे चरण, ते जे गुरु दे चरण दा ध्यान धरदिआं धरदिआं किते रुकावट भी आई ना, समाजिक तौर ते जां राजनीतिक तौर ते, उन्हां कहा भी जूझना पएगा, ते उन्हां ने व्यापार परिवार सारे पिछे छड के जूझण वास्ते हथियार चुक के शहीदियां तक पा लईआं, और एक एक परिवार के विच अठ अठ नौ नौ दस दस शहीदियां। चलो अज हैरान होईदा है कि जिस तरह का अज साडा समाज है, व्यापार करन वाले लोग जदों पैसा कमा लैंदे ने, सुख साधन आ जांदे है, तो वह सुखराणी जिंदगी वाले हो जांदे, वो छोटी छोटी गल ते ना लड़न झगड़न वाले पासे नहीं तुरदे, कहिंदे नहीं प्रशादा छकदे पए आ, छड्डो परे इन्हां गल्लां च की लैण। पर इन्हां लोकां ने कदी नहीं सोचिया कि साढ़े परिवार का की बनेगा, साढ़े व्यापार का की बनेगा, इन्नी वधिया सुख रहनी जिंदगी बतीत कर रहे हैं, चलो छड्डो परे जो हुंदा सानू की लैना, वो सानू की लैना वाली रुचि इन्हां च नहीं है। भावें समा आया परउपकार का, भावें समा आया गुरु दे बख्शिश भरे जीवन का, बाणी करके बाणे करके मान सत्कार कायम रखना है, तो उहदे लई जे जूझना पिया है, भावें वह भाई लखी शाह बनजारा होर का परिवार है, भावें बाबा मखण शाह, भावें भाई मनी सिंह होरी, ये सारे सज्जन परिवारों के मोह तो, दुनिया के पदार्थों के मोह तो उपर उठ के अपने शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हां तो भी उपर उठ के गुरु नूं की चंगा लगता है, गुरु ने सारा कुछ दिता है, साड़ी अपनी अकल सियाणप नाल ने, इस करके गुरु दे शुकर विच जीउणा, ते गुरु वास्ते जीउणा, गुरु दे प्यारियां वास्ते जीउणा। गुरु ने सानूं समझाया ऐ सारा संसार करता पुरख वाहिगुरु की जोत नाल प्रकाशित है, जिहड़ा भी कोई इस संसार दे सुखां विच माण ताण विच खुशियां विच विघन पाएगा, साडे गुरु ने यह भी आख्या है कि पैव कहों को देत ने नै पै मन तान, ते फिर ना डरना ते ना डराउणा है, जो कुछ हुंदा है उहदे नतीजे जो मर्जी भुगतने पैण, कीमत जो मर्जी देनी पवे, इस मानसिकता विच जीवन वाले उन्हां गुरु दे प्यारियां दी गाथा है एक किताब जी, जिस नूं पढ़ के मेरा निश्चय है कि जे इस मैं ये कहना चाहना अज तुहाडे इस चैनल दे राहीं कि प्रबंधक भी कोशिश करन कि इस पुस्तक नूं हर घर दे विच पहुँचाउण, और ये केवल टेबल बुक ना बन के रह जाए, कॉफी बुक ना बन के रह जाए, बल्कि बच्चियां दे नाल बैठो पांच दस पंद्रह मिनट आप पढ़ के इस किताब नू, फिर अपने बच्चियां नाल गल करो, या कमाल हो गई। सानू भी नहीं सी पता साडे बजुर्ग इन्ने महान सीगे, असी कथा कहानियां ते रागी सिंघां भाई साहिबानां कोलों प्रचारकां कोलों सुणदे रहे हां, पर कदी इस पासे एदां उचेचा ध्यान नहीं दिता। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह होरां ने ओह उचेचा ध्यान दवाउण वास्ते इहदे लई लगन पैदा करन लई, इहदे लई खिच पैदा करन लई कि इहनां दी कमाई दा ध्यान धरिया जावे, जे कीता कम ते हर घर दे विच किताब पहुंचावे जी, और हर बच्चे भावें उह सारी पुस्तक ना भी पढ़ सकन, पर कुछ कुछ गल्लां जिहड़ियां कीमती ने इहनां बजुर्गां दियां उह जरूर बच्चियां दे नाल सांझियां करन। मेरा विश्वास है कि तुहाडा भी इह कीता होया उद्यम जिहड़ा इस पुस्तक लई अज तुसीं इह आयोजन कीता है, इहदा जरूर ठीक नतीजा निकल जी। इस किताब दा रिलीज़ जो साडे दर्शक इह सोच रहे
कदों ये पढ़ सकते हैं। इस किताब का रिलीज़ इस संडे गुरुद्वारा साहब बाबा मखन शाह लुबाना जी दे विच होएगा। संत बाबा प्रेम सिंह जी की बरसी के दिहाड़े ते इनू रिलीज़ किया जाएगा। जिस तरह तुहानू दस्या है कि इस किताब की ट्रांसलेशन भी हो रही हैं ताकि बच्चों नू ए ना लगे कि असी पंजाबी नहीं पढ़ सकते ते ए इतिहास साढ़े तो परे हट गया। नहीं, इस इतिहास के नाल साढ़े बच्चे भी जुड़ सकते हैं, बट सब तो पहले तुसी जुड़ो। रिचमंड हिल न्यूयॉर्क जिन्नू पंजाबियों का सिखां का गढ़ मनिया जाता है, किन्ने प्रोग्राम असी इत्थों कीते हैं जिथे असी तुहानू दस रहे हैं पंजाब एवन्यू गुरु नानक वे किस तरह के इत्थे सड़कां दे नां रखे जा रहे हैं साढ़े इतिहास उत्ते, सिखां दे इतिहास उत्ते। लेकिन शर्मनाक गल हैगी कि उस इतिहास बारे कदी कभार असी भी नहीं चंगी तरह जानते ते साडे बच्चे साडी अगली पीढ़ियां उन्हां तक किस तरह वो जानकारी पहुँचेगी। सिंपल सल्यूशन है, जिन्होंने वो मेहनत की है, वो तपस्या की है, उस इतिहास नू उहदी खोज करके उन्हूं जमा करन दे लई एक किताब लिखी है, उन्हां दे नाल असीं गल कर रहे हैं ते इस किताब बारे जानकारी लै रहे हैं ते किस तरह तुसीं इस किताब नू भी पढ़ सकदे हो उहदे बारे भी तुहानूं दस्सांगे। सब तो पहले मैं दसना चाहुंदी हां प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ किया गया गुरुद्वारा साहब बाबा मखन शाह लुबाना वल्लों एंड गुरुद्वारा साहब के प्रधान दलेर सिंह जी साढ़े नाल मौजूद हैं। दलेर सिंह जी, मैं चाहवागी तुसी जुड़े हुए संगतां नू एंड जो संत बाबा प्रेम सिंह जी की बरसी उत्ते इस किताब का रिलीज़ हो जा रहा है गुरुद्वारा साहब के विच उहदे बारे सानू जानकारी दवो। पहला तो समूह संगतां नू मैं फतेह अर्ज करना, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिहड़ा आने वाले संडे है 4 जून नू, उस दिन बहुत ही वड्डे पद्धर ते इकट्ठ हो रहा संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले की जिहड़ी बरसी है 73वीं बरसी असीं मना रहे हैं बड़ी धूमधाम नाल। और उस दिन जिहड़ी है बोक है, जिहड़ी बोक दा टाइम है जिहड़ा है 1 बजे तो 2 बजे असी सारी जी इन विचार होंगे जो बुक लिखा गया वो आप संगत तक पहुँचाया जाएगा। और 2 बजे करीबन आप बुक रिलीज करनी है और मैं नाल ही अपील करदा सारिया संगतों उस दिन हुम हुम आके पहुँचो। जी बुक है 8 से 9 साल लगे डॉक्टर सुखप्रीत उदोके लिखण वास्ते और बहुत वड्डी मेहनत है ये पिछे। कई बार लोग कहते हैं भी बहुत जल्दी बुक क्यों नहीं लिखी गई, आई क्यों नहीं, क्योंकि कीनिया तक जाना फ्लैटा लैके, कभी लंडन जाना, कभी किधरे जाना फ्लैटा लै लैके, समा लगता है हर चीज़ में समा लग्या। लेकिन इतिहास जिहड़ा इकट्ठा किया, क्योंकि जे उवें लिख दिता जाए तो कल लोग क्वेश्चन करते हैं, उसका जवाब भी ये ही है, तुसी आप पढ़ सकते हो। और एक नरोल इतिहास जिहड़ा वो आप संगतां दे सामने जिहड़ा रखिया, जिहड़ा अज तो साढ़े अखों परोखे होया सीगा और जिन्हां नूं असीं भुल्ले विसरे काबले जिहड़े वंजारे ने, जिहड़े भुल्ले विसरे परिवार हन जिन्हां नूं असीं कहिंदे हां, उहनां दी पछोकड़ की है वो साढ़े अगे सामने रखिया डॉक्टर साहब जी ने। और मैं इहनां दा धन्नवाद करदा हाँ। और जिहड़ा होर भी बुक होर भी इतिहास जिहड़ा बहुत लिखण वाला है, असीं वह भी इहनां दे अगे रिक्वेस्ट करदे हां वह भी इतिहास लिखण, जो साढ़े कोल सहयोग है चाहीदा वो असीं देवांगे। असीं नाल नाल जिहड़े इहदीआं बुकां दे विच पा के इंग्लिश विच पा के असीं संगतां तक पहुँचावांगे। तो मैं फिर हाथ जोड़ के बेनती करदा संडे नूं जरूर पहुँचो और जिहड़ी बुक रिलीज़ करनी है उहदे विच हिस्सा बनो। एक इतिहासिक स्रोत है वो आप संगतां दी झोली च पाना है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। थैंक यू दलेर सिंह जी। हुण मैं चाहवांगी जो साडे नाल लाइव ऑडियंस जुड़ी है, जो सवाल रखना चाहते हैं डॉक्टर साहब दे नाल या प्रोफेसर मनजीत सिंह जी दे नाल, जरूर तुसी भी शामिल होवो। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज बड़ी खुशी हुई है डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदोके जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, बड़ा समा लाया, बड़ी मेहनत की है, तो बहुत वड्डमुल्ला खजाना साढ़े हाथ में आया। मैं इस गुरद्वारा साहब गुरद्वारा बाबा मखन शाह लुबाना सिख सेंटर के समूह प्रबंधक जिन्हें भी सबका मौजूदा आने वाले ये सारे एक ही ने, इन्होंने इन्ना वड्डा संघर्ष किया, उदू तक मैं इन्होंने नाल हाँ जो कर रहे शुरू
रुके साहब नाल भी बहुत बारी मीटिंगां हुंदियां रहियां ने, बहुत वधिया उपरा ते शलाघा योग है। मैं इन्हां नूं वधाई देना जिन्हां ने दे मन विच चाह सी कि साडे बजुर्गां दा इतिहास लिखिया जाए। एक मिनट की मैं घटना तुहाडे नाल साझी करांगा। सोहन जी दे बाबत रुके साहब ने कहा भी उत्थों गल शुरू हुंदी है। साढ़े वड्डे वडेरियां दे विच असीं पाकिस्तान तों भखड़ेवाल तों आए, उत्थे बाबा सोहन जी की जगह सी, ते फिर साढ़े पिंडां दे विच जगह बनी, दीवे जगांदे सी, मत्थे टेकदे सी, सोमवार जा के यग लाने, ते मैं उत्थे लड़ पैंदा सी भी सोहन जी है कौन है, तुसीं कोई एक्सप्लेन करके दस सकदे हो, कोई पीर सी, कोई शाह सी, कौन सी, किदां। ते उन्हां कहना सानूं इह नहीं पता भी बाबा सोहन जी साढ़े सी, असीं दीवा जगा के सत्कार करदे। तुसीं हैरान होवोगे जदों मैं इत्थे आया ते डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदों की इन्हां दे लैक्चर सुने, हालांकि मैं भी कथा करदा, मैं भी पढ़िया सी, तो इत्थे जिहड़े फंक्शन होए उन्हां च बाबा सोहन जी का पता लगा। फिर मैं उन्हां दा इतिहास पढ़िया ते फिर मैनूं माण ते फखर महसूस होया कि उह बाबा सोहन जी उही ने जिन्हां तों इह सारी गल साडी शुरू होई। तो इह वी वधाई दे पात्र ने, साडे वड्डियां नूं प्रगट कीता। तो मैं इह कहांगा गुरु साहिब दी इक पंक्ति कह के, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, वड्डियां दीआं कहानियां पुत्तरां नूं सपुत्तर बणांदियां ने ते पुत्तर जिहड़े सपुत्तर ने वड्डियां दीआं कहानियां पांदे ने। तो इस गल लई तुसीं सारे जिन्नी मैनेजमेंट बैठी है, जिन्नी संगत बैठी है, उदों के साहब प्रोफेसर साहब ते जिन्हां ने बड़ा वड्डा उद्यम कीता, सरदार दलेर सिंह जी साडे मुख सेवादार, उन्हां सारिआं नूं मैं बहुत बहुत वधाई दिंदा। क्वेश्चन करन दा क्योंकि समां काफ़ी लगना, इस लई मैं संखेप करदा। सिर्फ मैं इहनां दी इस गल दी वधाई दे रहा कि इह बहुत वड्डा उपराला है। आउण वाले समें साडीआं पीढ़ियां इतिहास पढ़नगीआं, इन्हां नूं वी याद करनगीआं, ते जिन्हां ने उपराला कराया साडे गुरद्वारे दी मैनेजमेंट, इन्हां नूं वी लोकी याद करनगे कि अपने वड्डियां दी याद दोबारा दोहरा के गए। तो मैं इन्ना कहिंदा खिमा दा आजाद का जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। हाँ जी डॉक्टर साहब, जिहड़ी भाई साहब भाई जसपाल सिंह उन्होंने गल की है, जदों मैं बाबा सोहन जी के बारे, क्योंकि जिहड़े बाबा मक्खन शाह जी के वडेरे सीगे तां उह वलायत वाली जन्म साखी उसनूं कहा जाता है, उसनूं कॉलब्रुक वाली कहा जाता है, क्योंकि कॉलब्रुक उसनूं जिहड़ा सिख अंपायर सी उहदे खात्मे तों बाद इंग्लैंड लै गया, उहदे करके वलायत वाली कहिंदे ने। हाफिज़ाबाद उहदा इक खरड़ा सीगा, उहदा उतारा होया, उहनूं हाफिज़ाबाद वाली भी कहिंदे ने। सब तों पुरानी उहनूं पुरातन भी कहिंदे ने, जन्म साखी एक ही है। सो उहदे विच सब तों वड्डी गल सी कि जदों गुरु नानक साहिब बाबा सोहन दे घर दे सामने रुकदे ने तां सवाल बड़ा अहम है, किसका ग्रह है चार ध्वज झूलदे हन, भी इह किहदा घर आ जिहदे उपर चार झंडे झूल रहे ने। फिर मेरे सामने सवाल सी कि जे गुरु नानक साहब ने इन्ना वड्डा केंद्रित सवाल कीता है, इहदा कोई मकसद तां है। फिर मैं उहदे बारे खोज करनी शुरू कीती, फिर पता लगा कि जिस तरह असीं एक साल बाद अपनी ITR भर के अपना टैक्स ते अपनी इनकम डिकलेयर करते हैं, उन्होंने समयों में जिहड़ा 1,00,000 सोने की मोहर की मलकीयत रखता सी वह अपने घर के उपर एक झंडा ला सकता सी। सो गुरु साहब का सवाल है कि चार झंडे 4,00,000 सोने की मोहर की मलकीयत, इन्नी जायदाद इन्ना अमीर व्यक्ति कौन है जी। सो मैं सारा किताब दे विच दित्ता है। सो वह बाबा सोहन जी सीगे। वाह जी वाह। हाँ जी मास्टर साहब, देखो जदों दा असीं गुरद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा सिख सेंटर स्थापित किया, उस दिन पहले बोलना च भी मैं कहा सी बाबा मक्खन शाह लबाणा सिखी दे प्रचार विच वध चढ़ के हिस्सा लेगा, और जिन्नियां भी कौमी मुश्किलां ने उन्हां से असीं भरपूर योगदान पावांगे। एक मेरे मन दा सुपना सी भी कोई साडे वडेरियां दे बाद उन्हां दे बाबत कोई किताब लिखे ते साडे बच्चे जिहड़े ने उस किताब नूं पढ़ के खुश भी होण, माण भी महसूस करन, अते अपने बजुर्गों की याद दे विच उन्हां दे पूर्णियां दे चलन की कोशिश भी कर। डॉक्टर सुखप्रीत सिंह नाल मेल जिहड़ा है मैं समझना यह सबबी है, और इन्होंने भी पूरा तान ला के इस किताब के सोर्सिस नूं वाचिया, उन्होंने चंगी तरह अध्ययन किया, और जिहड़ा पिछड़ेरा इतिहास है उन्ना रलगाढ़े कुछ कंकलूजनस कढ़निया जिहड़ियां ने वो एडिया सौखिया नहीं जी। और किसी सधारण दिमाग का यह काम नहीं भी उन्हों का विश्लेषण करके किसी सिटे पर पहुँचा जा सके। सो मैं तकरीबन तीजा हिस्सा किताब का पढ़िया, और जोड़े पहले चैप्टर ने उन्हें ही सब तो ज़्यादा औख बनती है भी खिलारा बहुत है, उस खिलारे के चंगिया चीज़ा जड़िया ने उन्होंने किस तरह कढ़िया जा सकता और उन्होंने किदा कलमबंद जोड़ा किया जा सकता है।
सो मैं दस दिना भी इन्होंने पूरी मेहनत के नाल एक किताब जी बनाई है। और एक गल की मैं और बड़ी खुशी है, और मैं पहला भी मेरा यो मनना सी भी ये कोई जड़िया बरादरिया की वंडे जी कबीले बन गए ज कुछ भी बन गए, एक नैचुरल वतीरा है। जो ये मध्य एशिया तो उठ के आए ने तो कोई ये सोच के नहीं सी आए भी असी लबाने असी जट हाँ असी कोई होर बरादरी ना संबंधित रखने। ये लोग रुजगार की भाल च चंगी जिंदगी लई अपनी आर्थिकता मजबूत करन लई ये देशां प्रदेशां दी जिहड़ा चलन है यानी जिहड़ी यात्रा है वह शुरू हुई। और कई बार मैं इहनूं इस गल नाल भी जोड़ के देखना जिवें कहिंदे ने पंजाब चों सारा पंजाब बाहर आ रहा है। सो इहदे कारण ने क्योंकि जिस मुल्क दे विच साडी आर्थिकता मजबूत नहीं हो सकती और साडा जीवन जिहड़ा सिक्योर नहीं, असी इन्ने पैसे नहीं कमा सकते जिस दे नाल असी अपने टब्बर नूं चंगी तरह पाल सकीए, ते लोकी बाहर दा मुख करदे जी। और ये सारे जिस जिस इलाकों विच गए जिवें असी भी इत्थे आए, कुछ कंस्ट्रक्शन करन लग पए, कुछ गड्डी चलाउण लग पए, कुछ उबर चलाउण लग पए, किसी ने शराब दे ठेकियां दा व्यापार कर लिया। और व्यापार के नाल जो वो व्यापार में सफल हो गए तो उन्हों का नाँ उस किते दे नाल पछाणन लग। तो मैं समझना साडे बजुर्ग जिहड़े ने वह जिवें लून का व्यापार, और फिर लून का व्यापार इत्थों इस हद तक वध गया कि 100% सरदारी जिहड़ी है ये लून के व्यापार में साडे बजुर्गों की हो गई। और उहदे नाल नाम बदलदा बदलदा लबाणा पै गया, जिहड़े कोई मिस्त्रियां दा काम करदे सी मिस्त्री बन गए, जिहड़े कोई जिमीदार सी उह जट जिमीदार बन गए। लेकिन मूल रूप च पिछोकड़ जिहड़ा है उह सारिआं दा इक्को जिहा है जी। मैं वड्डी गल जिहड़ी समझना भी इन्नी आर्थिकता मजबूत होण दे बावजूद जदों कि उहनां दा व्यापार जिहड़ा है उस वेले दे राजिआं नाल सी बिल्कुल, और मुगलां दीआं जिन्नी फौज सी उसके राशन का प्रबंध करना, हथियार का प्रबंध करना, हथियार का प्रबंध करना एक बड़ा वड्डा व्यापार से। लेकिन उन्होंने हलूणा जड़ा है मेरी समझ च हलूणा उन्होंने गुरु नानक की आवाज चू मिले, और वह लोग अपने संबंध अपनी आर्थिकता भुल के अपनी अमीरी भी भुल गए, और अमीरी का जोड़ा स्वाद है जो अमीरी का जोड़ा आनंद से उसू भुल के सारिया अपन सर्विसिज जो सिखी दी ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ इस लबाने परिवारों के विचों आई जी। और उन्होंने अपने सीरां दा अपने कारोबार दा अपने माल डंगर दा अपने बच्चों दा बलिदान दे के इस लड़ाई नूं लड़िया जी। और उस तों बाद बिल्कुल ठीक है असीं 17वीं सदी च कहने आ जदों मशीनी युग शुरू होया ते जिहड़े उस वेले दे किताकार हथ नाल काम करदे सी उन्हां दी आर्थिकता जिहड़ी है डोल गई, और लोग जिहड़े ने उह मजदूर बन गए कसियारे बन गए। इसे तरह जदों मुगलों नाल लड़ाई हुई है तो हार जाण तों बाद उन्होंने इन्हों खदेड़िया और किसी एक हिस्से वसन नहीं दिता, जिस करके सारे भारत जिथे किसी राह मिलिया जिथे किसी का रोटी का प्रबंध हो सकता सी इन लोग चले गए। लेकिन अज फिर मैं समझना पिछोकड़ पुरातन समय तो लैके अजोके समय च फिर बाबा संत प्रेम सिंह पैदा होया जिन्हें इस बरादरी इस वर्ग न नवी राह दिती, नवी राह जी राजनीतिक भी दिती आर्थिकता भी दिती। और उस जमाने में जदों कोई बंदा स्कूल पढ़न का कोई साधन ही नहीं सी ते उस वेले चार हाई स्कूल बना के एजुकेशन का परचम जिहड़ा चलाया। मैं हाले भी याद है मेरे मामा जी सरदार भगवान सिंह जी जिहड़े मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक के होंदे सी उन्होंने दसवीं जमात जिहड़ी है गुजरात में हाई स्कूल टांडा सी उत्थों कीती, और कहिंदे ने लोकी मतलब मैनू आप कहिंदा पंजाब नैशनल बैंक वाले लैन आए सी भी तुसीं साडे बैंक दे विच नौकरी करो, और उत्थे भी कहिंदा मैनूं कई वारी उन्हें तंग करना भी तेरे हिसाब च नंबर घट होने। कहिंदा एक दिन मैं उन्होंने कहा भी एक दिन ना सारे जने सर्टिफिकेट अपने अपने लैके आओ, तो मैं उन्होंने दस्सिया मेरे 100 च 100 नंबर ने। आम लोग समझते हैं भी सरदारां नूं हिसाब दा किता जिहड़ा वह कुछ घट ही आंदा, लेकिन इस तरह मैं समझना एक किताब जिहड़ी है लोकां नूं
वो अज्ञानता जां जिहड़ियां एवें प्रचलित कहानियां बनियां ने जी ये कछहरे सी जी ये एवें सी जी ये माड़े बड़े सी जी उन्हां गल्लां बारे जानकारी हो गई। एक गल की मैनूं खुशी है भई ये मूल रूप जिहड़ा है सारियां बरादरियां का जिन्हें भी असीं सिख वो एक है और ये गल जिहड़ी है जे सारे लोग समझ लैण ते सिख बहुत वड्डी शक्ति बन के एशिया के खिते चमक सकते हैं और यही इलाज है। हुण भी असीं लालच पिछे अपनिया फायदे वास्ते इधर उधर कदी उधर भज जाने कदी उधर भज जाने जे असीं निठ के साडे बजुर्गां ने गुरु दी फिलासफी नूं अपना के ते निठ के उन्हां दा समर्थन किया जे असीं भी वह परिपक्ता अपने च लियाईए तो फिर कोई आपां सिख जिहड़े बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैनूं पता जदों मैं पढ़दा सी 90-95% लोग जिहड़े ने वह किस्साधारी सी और साढ़े बजुर्ग जिहड़े ने जिन्हां ने कितें वाल वड्डे होने ना उन्हां नूं परा पंचायत च बहन नहीं देंदे जिहदे भी सिर सिर मुन नूं कहिंदे जी भी सिर मुन नूं ते विच ना बैठण ही नहीं सी देंदे। सो मैं समझना सुखप्रीत ने एक बड़ी वड्डी सिख कौम लई भी और साडी बरादरी बड़ा वड्डा योगदान पाया और इन्हां दी विद्वता इन्हां दा ज्ञान उस गल दा लोहा जिहड़ा असीं सारे मनने आ सारे धनवादी भी हाँ भी इन्हां ने लम्मा समां लिया भी कोई चीज़ प्राप्त करने लिए समा तो भाई लगना है। ये तो कोई गल है नहीं भी कल रात को किसी ने कन्न च कहानी सुनानी तो सवेरे किताब बन जानी सो उहदे सोर्सिस नूं लभना इन्ना रलगड़ जिहड़ा मसला होया उहदे विचों तत्थां नूं बाहर कढ़ के किसी नतीजे ते पुजना एक बहुत वड्डी गल है। मैं बाबा मक्खन शाह अलवाणा सिख सेंटर की जिन्नी भी मैनेजमेंट है मैं समझना मैं लीड भी किया लेकिन मेरे नाल साथ बहुत ज़्यादा दिता है। मैं शायद इन्ना चंगा नहीं सी जिन्ना इन्होंने मेरा साथ दिता है और असी वड्डे वड्डे काम इत्थे न्यूयॉर्क की धरती से उन्होंने माने ने। सो मैं कमेटी का सारी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू मास्टर साहब। इतने एक होर छोटी जी ब्रेक लिए असं रुक रहे हैं। दर्शकों मैं दसना चाहनी हाँ इस स्पैशल प्रोग्राम तुहाडे नाल पेश कर रहे हैं। सैगमेंट साढ़े थोड़े लंबे है प्रोग्राम असी माड़ा जहा एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज गल हले बहुत बाकी है इस किताब के बारे डॉक्टर साहब की रिसर्च बारे। कहा जाता है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स हिज स्टोरी जो जितदा है उही इतिहास लिखता है। तो साडे इतिहास के विच असी कितनी वड्डी वड्डी मल्लां मारी हैं बट फिर भी यह सानू अफसोस है कि जिस तरह साडे अज पैनलिस्ट सानू दस रहे हैं विद्वान साडे सियाने सानू दस रहे हैं कि अगली पीढ़ियां तक वो इतिहास वो विरासत जेदे उत्ते मान महसूस होना चाहिए शायद पूरी तरह नहीं पहुंची बट इस कमी नू एदे विच एक पॉजिटिव चेंज लैके आने लई डॉक्टर सुखप्रीत वरा ने यह किताब लिखी है। डॉक्टर साहब मास्टर जी कुछ कॉमेंट्स कर रहे सी ब्रेक तो पहले उहदे नाल शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल एक तो मैं थोड़ी उस गल तो शुरू कर दें कि जिहड़े जेतू ने इतिहास लिखते हैं पर हुण इहदी धारणा जिहड़ी इस रूप च हो गई है कि अनटिल द लाइव हैव हिस्टोरियन द हिस्ट्री ऑफ हंट विल ग्लोरीफाई द हंटर। यस कि जदों शेर अपना इतिहास नहीं लिखेगा तो कुदरत ने जे शिकारी लिखेगा तो अपनियां सिफतां लिखेगा। सो शेरां नूं अपना इतिहास आप रचना पवेगा भावें कि उन्हां दा कतलेआम हो रहा हुंदा। सो पहली गल तो है। दूसरी गल जिहड़ी सब तो अहम है जिहड़ी मास्टर जी ने गल की है कि सब तो अहम तत्थ है कि एलीट क्लास जिहड़ी है जिहड़ी उस समय आर्थिक पद्धर ते इन्नी ज़्यादा उचेरी है उहदा आर्थिक पद्धर इन्ना उच्चा है कि जेकर तुसीं लाल किला जे उहदी गल करदे हो तां जदों उस्ताद अहमद लाहौरी उहनूं बना रहे ने ते उहदा जिहड़ा ठेका है कंस्ट्रक्शन दा लक्खी शाह वणजारा जी दे कोल आ जिन्नियां भी उस समय चूने दियां खाणां ने उहनां दी मलकीयत जिहड़ी है लक्खी शाह वणजारा जी दे कोल आ। और हैरानगी दी गल है कि जदों असीं इतिहास दी गल करदे आ मैं कल वी सिंह साहब दे नाल कर रहा सी कि गुरु तेग बहादुर साहब तो पहलां जिहड़े सिख शहीद कीते जांदे ने भाई मती दास जी सती दास जी भाई दयाल जी उन्होंने अंतम संस्कार कितने हुए तो इस किताब के जो मैं स्रोतों की खोज कर रहा उदो पता लगा कि जोड़ा भोगलपुर पिंड जिथे उन्होंने संस्कार किए गए वह भी सारी विरासत जी लक्खी शाह वणजारा जी की है। सो इस पद्धर के उपर अमीरी होनी तो उस तो बाद इस तरह के नाल जो सिखी के आके शहादत का एक लंबा काफिला जो सिरज देना सो ये अपने आप मिसाल ऑडियंस के नाल हूँ कुछ होर क्वेश्चन लै लें सा लाइव ऑडियंस जुड़ी है रिचमंड हिल विखे पहुंचे हैं। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जी डॉक्टर साहब ने बुक लिखी है इस पर पंछी शाद मारी है अजे तक सारी नहीं पढ़ चुका। 2013
मैं डॉक्टर साहब बारे पहला बहुत सुनया सी ते उस टाइम मैं गुरुद्वारे का मुख सेवादार सी ते मेरे मन च भी आया मैं डॉक्टर साहब नूं इनवाइट करा ते एक दिन इनवाइट किया ते ये जिहड़ा कृत चल रहा सी उस तों बाद आए ते आके कहिंदे सब तों पहला कि तुसीं गुरुद्वारा साहब का नाम बहुत चंगा रखे। मैं हैरान जिहा होया मैं कहा डॉक्टर साहब कई लोग तो सानूं कहिंदे तुसीं बरादरीवाद दे दायरे च आ के नाम रखे ते तुहाडी इह किस तरह सोच है भी ये नाम बहुत चंगा है। तो डॉक्टर साहब कहन लगे जे असी जिहड़े इन्ने महान पुरश होए हन साढ़े सिख कौम दे विच जे असी उहनां नूं याद नहीं रखा याद वह भुलदे जा रहे हैं तो जो उहनां दे नावां ते असी गुरद्वारा साहब बनावांगे या कोई यादा बनावांगे तो इतिहास बनिया रहेगा। तो मैनू बड़ी हैरानगी हुई मैं कहा डॉक्टर साहब तुसी उहनां बारे कुछ जानते हो तो कहते बहुत कुछ। तो फिर उत्थे बैठे बैठे गल हुई तो इन्हों इनवाइट किया गया तो उदू साढ़े को तीन महीने का समा सी तीन के चार महीने का समा सी असी गुरु लादौरे दिवस मना तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पर कम करो। तो जो पहली बारी असी स्मोकी पार्क के गुरु लादौरे दिवस मनाया तो डॉक्टर साहब ने जो इनका इतिहास सुनाया तो फिर साढ़ा सारे मेरे वड्डे वीरां दा जिहड़ा मिल के ये साढ़ा एक विचार बनया कि क्यों ना असी इस एक बुक लिखी जाए तो उदू तो असी डॉक्टर साहब नू इनवाइट किया कि तुसी बुक लिखो। डॉक्टर साहब मैं जिहड़े बुक के विचों जिते जिते मैं देखा जिहड़ियां बहुत आम कथा कहानियां सुनिया जांदियां सन बिना तथ तो तुसी ये बुक के विच जिस तरह बाबा मक्खन शाह दियां जदों गुरु तेग बहादुर साहब नू प्रगट किया तो उत्थे मोहरां दी गल आती है कोई दो कहिंदा कोई पंज कहिंदा कोई कुछ कहिंदा पर उत्थे तुसी जिहड़ी वो पुरानी लिखत जिहड़ी सी वो नाल दे के उत्थे डिटेल पूरा जिहड़ा साडी हिस्ट्री है उसनू एवें नहीं लिखिया गया उस दीआं वहीआं दे विचों जां पटवीआं दे विचों जिथों भी तुसी लिया वो लै के लिखिया गया। इस तरह मैं होर भी जिहड़ा देखिया उहदे जिन्ने भी उहदे तत्थ कित्थों आए कित्थों लए वो तुसी सारा डिटेल दित्ती हुई है। तां फिर मैं देखिया जिहड़ा बहुत सारिया बरादरियां अज भी जिहड़ियां पवार जां रठौर होर भी जिहड़े राजपूत भी घुमांदे ने अपने आप नूं पर उहनां दा पछोकड़ जिहड़ा है वह बिल्कुल बंजारियां दे विचों ही है। तो मैं असीं जदों हुण जनवरी दे विच बंजारा सम्मेलन दे विच गए सी उत्थे भी बहुत वड्डी तादाद जिहड़ी है वह रठौर ते पवारां दी है तो वह जो देख के फिर पता लगे भी ये कल्ली बरादरी जी है इन्नी छोटी जी नहीं हैगी तो बहुत वड्डी बरादरी है। तो इस करके मैं चाहवागा कि जे तुसी थोड़ा बहुत दस सको कि केड़ियां केड़ियां होर बरादरियां जिहड़ियां ने जिन्हां दा लिंक जिहड़ा है ये लवाणा बरादरी दे नाल है जां बाबा मक्खन शाह जां लक्खी शाह बंजारे नाल है जे तुसी थोड़ा जिहा डिटेल दस दो चंगा लगेगा। हाँ बिल्कुल जी पहली गल तो यह जितों तुसीं गल शुरू की है कि इतिहासक जिहड़े हवाले ने उन्हां दे विच जदों असी सारे इन्हां दी जिन्हों जिहड़े इंसेस्टर्स ने जदों असी उन्हां दी सारी रिसर्च करते हैं जदों खोज करते हैं तो सानू इस परिवार का जिहड़ा गुरु घर दे नाल रिश्ता है बेशक गुरु नानक साहब के समय तो शुरू हो जाता है पर उस रिश्ते दे विच गूढ़ापन इन्ना है कि 1660 दे विच जदों बाबा मक्खन शाह लबाणा जी के पिता बाबा दासा जी दे अकाल चलाना हुंदा है तो गुरु हर राय साहब उत्थे पहुँच के अंतम संस्कार करते हैं। सो जो तुम इस रिश्ते वेखना है दूजी गल है कि बाबा मक्खन शाह लबाणा जी के दादा जी तो लैके तकरीबन गुरु घर में उन्हें समय च 500 मोहरां दसवंध जिहड़ा वा वह हर व्यापारक उन्हें टूर तो बाद जिहड़ा दिता जा रहा। सो बहुत सारा इतिहासक स्रोतों के चो जिक्र है जितों तक असी गल करते हैं कि जिहड़ी इस कौम का फैला जिहड़ा वह बहुत वड्डे पद्धर दे उपर आ पर जदों तुसीं आ जा के इन्हां दे हाईलाइट होण दी गल करोगे तो उही ज़्यादा मुखी आ जिन्हां च चौहान रठौर परमार ये जिहड़े आ जांदे सी वह इस करके इतिहास के ज़्यादा चमके ने क्योंकि सिख इतिहास के जदों वह सिख धर्म के शामिल होए ने तो उहदे तों बाद उन्होंने समर्पण इन्ना वड्डा कीता कि उन्होंने उदो अपना रियासती ढांचा जिहड़ा सी उहनू पैदा करन दे नालों जदों कि जिहड़े बाकी जगह ते उपर नायक बन जा रहे सी उहनां दा जोर अपने छोटे छोटे राजसी खिते कायम करन दे विच सी पर जदों सिख धर्म दे नारे जुड़दे ने चाहे वह बाबा गोदू जी का परिवार लक्खी शाह बनजाड़ा जी का परिवार गुरु नानक साहब नाल जुड़दा बाबा सौण जी का परिवार जुड़दा है उहदे तों बाद रठौर जिहड़े ने वह जुड़दे ने फिर जिहड़े चौहान परिवार ने वह आउंदे ने पर सिक्खी दे विच आ के उहनां दा समर्पण इन्ना है
कि वह आ जाके इतिहास का वह हिस्सा बन जाते हैं जिन्हों का अपने आप के सिख इतिहास बहुत वाला योगदान स्थान है। सो अज के समय के मैनू जो इंज लगा जो असं इस किताब की गल सिंह साहब गल कर रहा तो किताब का हिंदी अनुवाद होना भी इस करके जरूरी है कि उन्होंने अपन जड़िया जड़ा ने वो बारे पता लग सके कि किस तरह के नाल साड़ी जिहड़ी सीगी वो आ जाके साड़ी हिजरत हुई किन्ना कारण करके आए किन्ना खेतरां च असीं जिहड़ा वपारक सीगे वह संबंध कायम किए किहड़े खित्यां च वपार किया किस तरह साडे को राज आया तो किस तरह राज खुसिया यह सारा कुछ वेखना पवेगा। क्योंकि हैरानगी की गल है कि औरंगजेब वर्गा बादशाह मैं वो सारे स्रोतों एक गल जी बड़ी अहम है जदों भागू वणजारा जिहड़े बाद अमृत छक के भगवंत सिंह बनते हैं तो 9 जून 1716 बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल शहीद होंदे ने हुण वह 3-4 वारी औरंगजेब के खिलाफ बगावत करते हैं खुशहाल खान खट्टक के नाल मिलकर अटक के इलाके च पर औरंगजेब जदों उन्हां नूं मिलदा है तो औरंगजेब गल की कहिंदा कहिंदा ईं दरबारे मीं दरबारे ना उम्मीदी नेस्त सदबार अगर तौबा कर दम बाज़ा भी तू एक नहीं तू 100 वारी बगावत कर पर मैं तेरे वर्गे बहादुर नूं छड्डना नहीं चाहुंदा मैं तेनूं फिर भी माफ़ करना मैं तेरे विरोध च नहीं जाना। सो यह अपने आप इतिहास दीआं बहुत वड्डीआं खूबसूरत जिहड़ीआं झाकियां ने जी। हाँ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल अज गुरद्वारा बाबा मक्खन छल बाणा गुरु घर की प्रबंधक कमेटी तो डॉक्टर उदय के जिन्होंने बड़ी अनमोल बड़ी महान मेहनत करके जो बुक तैयार की है वो भी साढ़े सानू पता है साढ़े बजुर्ग दसते जो असी पाकिस्तान तो जुड़ के आए हैं कि साढ़े महापुरश या साढ़े जो भी साढ़ा इतिहास से उन्हां वेले समुद्री शिप कहिंदे साढ़े बजुर्ग जदों छोटे छोटे होंदे सी ते गड्डियां राहीं जो व्यापार साढ़े चलदे सी उह सानूं पता सी पर असीं बुकां राहीं जां खोज राहीं नहीं पता कीता पर अज साढ़े वीर जो डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके जो अनमोल खजाना इकट्ठा किया है मैं बुक पढ़ी दिनी पर मन नूं बड़ा चाह है कि बाकी गुरद्वारा बाबा मक्खन छल बाणा 98 के होंद आया सी ते जिन्हें भी मेरे सीनियर लीडर भैन भरा मेरे दोस्त मित्र भी बैठे ने संगत भी बैठी गुरु घर की बड़ा वड्डा उपराला किया है। पैसे तो बिना कोई काम नहीं चलता कोई भी खोज करनी है किसी भी जाना है भावें बस से चढ़ना है तो ता भी टिकट लैन वास्ते पैसे चाहिए ने पर इन्हां वीरां दा उपराला बड़ा वड्डा है जे खोज करनी है तो खोज की मेरे वीर ने तो पहला इनू डॉक्टर साहब ने गुरद्वारा बाबा मक्खन छल बाणा की समूह संगत वालों प्रबंधक कमेटी वालों जिन्हें भी इस चैनल के सारे सुन रहे हैं उन्होंने सारे वालों डॉक्टर साहब को अं जी कहने तो बधाई देते हाँ। मेरी एक मैं सोच रहा बैठा बैठा कि मैं तो बुक अजे नहीं पढ़ी पर आप एड्डी वड्डी बुक में जो कुछ भागों च वंट लीए मेरा अपना विचार है मेरा सुझाव ही है पर इनू थोड़ा होर बड़े वधिया तरीके नाल जिहड़े बच्चे साढ़े ने उह पढ़ सकणगे जां असीं भी पढ़ सकणगे कि कई वारी जिहड़े जे इहनूं पार्ट 4 जां 5 पार्ट बनाए जाण ते इहनूं उहदे च वंडिया जावे ते फिर असीं बड़े तरीके सौखे तरीके नाल थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ बड़े लंबे समय लई असीं इहनूं कर सकदे हां। डॉक्टर साहब थोड़ा जी आयां फिर मैं जस पंजाबी जिन्हां ने बाकी तो तुसीं जो काम करता अज जो जस पंजाबी ने काम कर देना पूरे वर्ल्ड पता नहीं 50 देशों के चैनल चलता है उन्हां दा भी आपां जी आ जिन्हां ने यह चैनल इस किताब नूं थां तक पहुंचाई है मेरी भैन पैणी जिहदा भी असीं उहनूं जी आ कहिंदे हां ते नाले उहदा भी थैंक यू जी जस पंजाबी दा असीं थैंक यू जी मान भी करते हाँ। थैंक यू जी वाहि खालसा वाहि फतेह। हाँ जी अखीर दा सवाल कोई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं डॉक्टर सुखबीर सिंह उदय के साहब उन्हों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने वणजारा लबाणा का वरी बुक जो है छापी है। ये क्वेश्चन मेरा नहीं पर ये जो साढ़े तो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो जवाब बुक च मिल जाएगा जी। जो ये गुरुद्वारा का नाम बाबा मक्खन छल बाणा रखिया तो कई तरह के क्वेश्चन सानू लोग पूछते सन तो साढ़े को भी ज़्यादा जानकारी नहीं सी अभी इतने तक थी कि बाबा मक्खन छल बाणा ने जो जहाज डुबन लगा तो नवें पातशाह ने उन्हें जहाज बचाया तो उन्होंने बहुत कृपा हुई जो उन्होंने नवें पातशाह प्रगट किया जब लखी शाह वणजारा से उन्होंने नवें पातशाह का जो
ਧੜਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 9 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਕਚਰ ਹਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਨ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ ਇਹ ਭਾਗ 1 ਹੈ ਭਾਗ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇਖੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਖਿੰਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 9 ਜੂਨ 1716 ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 1015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ 700 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 7 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੰਗਾਮੂਲਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ 43 ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਟੈਂਡਸਟਿਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਢੇਡਾ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਲੁਬਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹੈਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁੱਕਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਈ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਠ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
मैं चाहूंगी तुसी साडे दर्शकां लई खास करके जो इस किताब नू उडीक रहे है इहदा रिलीज एतवार नू होण जा रहा है गुरुद्वारा साहिब मक्खन शाह लुबाणा दे विच इस किताब दा अगर असी हाई लेवल मैसेज वेखिए या कॉल टू एक्शन कहिए की तुसी कहोगे संगतां लई दर्शकां लई कॉल टू एक्शन इस किताब विचों बस ए कोई गल ध्यान च रखण वाली है कि इन्होंने तो जी तपस्या करनी सी तुहाडी प्रेरणा नाल तुहाडे सहयोग नाल कर ली हुण तुसी अपने विरसे ते अपने बच्चों के परिवारों समेत माण किन्ना क करन दा मन विच ख्याल रखते हो वह हुण तुहाडे उत्ते है ते इहदे लई मैं पहला शुरू च भी गल आखी सी कि समा कढो पांच पांच दस दस मिनट इन्होंने तो पूरे कार्जां विचों अपने कार्ज खेतरां चों व्यापारां दे विचों समा कढ के शहीदियां तक भी देतियां आपां उन्हां शहीदियां दी कमाई दा ध्यान धरन वास्ते भी जे कुछ समा नहीं कढांगे तो फिर मैनू लगता है कि डॉक्टर उदो के होरां दी मेहनत जिहड़ी है ना तुसीं भावें बार बार प्रेरणा दे के इन्हां कोलों लिखवा दे लई मैनू यह भी पता है मेरे नाल चलदियां रहियां ने गल्लां भई किया सीगा डॉक्टर उदो के होरां नूं अजे तक किताब लिखी नहीं उन्होंने लिखी नहीं पता नहीं की गल होई है यह जग्यासा तुसीं प्रगट करते रहो कि छेती तो छेती आवे तो जे हुण आ गई है तो फिर छेती तो छेती इहनूं अपने घरां दा शिंगार भी बनाओ अपने परिवारां विच बैठ के इहदी चर्चा भी करो ता ही इह किताब दे इन्नी तपस्या नाल लिखण दा मकसद पूरा होना जी जान तो पहले डॉक्टर साहब तुसीं कुछ लफ्ज़ दर्शकां दे नाल सांझे करना चाहो क्लोजिंग दे विच मेरे ख्याल ना एक दर्शक ने भाजी हिम्मत सिंह होनी कोई सवाल करना चाहते ने हाँ जी हाँ जी दसो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सब तो पहला मैं साढ़े डॉक्टर सुखप्रीत उदो की सिंह जी जिन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अचानक सानू जिदा मिले आ मैं कहना इन्हों सेहरा इन्हों जाता होर भी बड़े प्रोफेसर लिखारी बहुत ने वो लिखिया भी ने पर वो चीज़ नहीं वो लिख सके जो इन्होंने बहुत लंबा समा लगा के इन्होंने बुक लिखी है बाकी जी बुक दे बहुत वड्डी आप कहने वड्डी नहीं है आप गुरु ग्रंथ साहब का सहज पाठ पढ़ते हैं ना भावें तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ी दो इस तरह तुम ये दस पन्ने भी रोज दे पढ़ी दो और मेरा ख्याल एक साल नहीं लगे पढ़ी जाएगी यह है कि जो अपन कोई ना कोई तरीका अपना टाइम मिलता जी रोज के एवरेज कर लो दस बिल्कुल बिल्कुल जान तो पहले सरबजीत जी मैनू पता तुसी कुछ बहुत इंपोर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहते सी कुछ मिनटों के विच प्लीज साडे नाल बड़े खुशी का दिन है कि भाई सुखप्रीत सिंह देखो उन्होंने अपना फर्स्ट पार्ट बुक का कंप्लीट किया मैं सोचता कि भी यह सू होमवर्क देने वास्ते आए हुए हैं बुक राइट ये जी आप इतने बैठे हाँ सारी इलीट क्लास है इस वे मक्खन शाह लुबाणा की है ना यह जी इलीट क्लासा साड़ी कम्यूनिटी होर भी बथेरिया ने मनजीत सिंह जी प्रोफेसर साहब जथेदार साहब अपने बॉम्बे गए हुए हैं इन्होंने खुकरैणा देखे राइट उस तरह पिशोर के पिशोरिया देखे है ना हजारे वाले देखे इस तरह मतलब बहुत सारी यह जी बहुत सैक्टर साढ़े सिख पंच है जिन्हें इलीट क्लास है लेकिन यह इलीट क्लास जी आप इतने बैठे हाँ और तुम जिन्होंने मिलकर बुक लिखी तुम सू दसो जिन्हें तो मिलकर बुक लिखी है रिसर्च करके उन्होंने मिलो वो है इलीट क्लास को चाहते कि ने जेड़े हालात में जोड़े बंदे इस वे पिंड रोटी खाने तो भी लाले पे ने सिखी संभाले तो लाले पे ने इस इलीट क्लास को चाहते हैं ताकि इलीट क्लास को होमवर्क मिले दे गेट रेडी अपनी जी है भी जो इन्हों को जो आप देख रहे हैं लक्की शाह बंजारे साहब ने अपनी सारी जायदाद सिख पंथ को देती दे डोंट फॉरगेट अबाउट द लग्जरी जी है इलीट क्लास इतने बैठी है मैं इस कहन में थोड़ी शर्म भी आ रही है असं जो पंजाब जाके कोई फंक्शन करते हैं मिलियनस ऑफ डॉलर रोड़ के आने जो सा गरीब परिवार पंजाब के ने साड़ी इलीट क्लास में देखते हुए अगेन उन्होंने वो ही खर्चा करना पैंता जो असं इतने करते हैं असी उन्होंने होर प्रॉब्लम क्रिएट करके आने
ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇਵ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਾ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੀਅਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੱਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ बिल्कुल जी एक गल तो मैं शुरुआत च करा जी सरदार हिम्मत सिंह होना ने की है कि बिल्कुल किताब है ही इवें कि असी दो दो चार चार पन्ने भी रोज़ पढ़ीए तो इसको सौख समझन थोड़ी सौख होगी। दूसरा जो सवाल वीर जी सरबजीत सिंह होना ने किया मैंने दो तरह के उत्थे कह सकते हो कि जेडे पक्ष से उन्होंने अपने सामने रखना पाया। एक तो जो दक्षण के भी एक नायक वनजारियां एक अलीट क्लास है पर मैं जो जम्मू के इलाके उत्थे एक पिंड है जो बिल्कुल प्योर लुबाणिया पिंड है जो मैं उन्होंने अमरीका के लुबाणिया बारे दसिया तो उन्होंने आर्थिक हालत इन्नी वो कहें हैं लुबाणे इन्ने अमीर भी होंगे मतलब कि ये उन्होंने वास्ते एक हैरानी वाली गल सी कि इन्ने अमीर भी होंगे आ उन्होंने अमरीका च अपना गुरद्वारा कि उन्होंने सवाल मैं इस तरह के सी। सो पहली गल तो कि जेडे इतने साढ़े आर्थिक तौर पर अमीर वीर बैठे ने जिस तरह इन्होंने उपराला शुरू भी किया कि दक्षण के जेडे नायक डनैसिटी है जो उत्थों के वनजारे ने उन्होंने नाल एक धार्मिक संबंध भी कायम किया जाए तो उन्होंने लिटरेचर भी पहुँचाया जाए। दूजा कार्य सू भी शुरू करना पवेगा कि जेडे ऑलरेडी सिख वनजारे ने जेडे सिख लुबाणे परिवार ने जेडे आर्थिक हालत बहुत माड़ी जिंदगी बतीत कर रहे हैं असी उन्होंने नाल भी संपर्क स्थापित करके पंजाब दे विच रुजगार के साधन भी पैदा किए जा सकते हैं जां उन्होंने भी सानू कुछ ना कुछ सोचना जरूर पवेगा कि मैं उत्थे कठुए के लागे एक पिंड है जो मैं उत्थे गया क्योंकि उन्होंने कोलो मैं पार्ट टू की तैयारी वास्ते जाना सीगा क्योंकि उन्होंने परिवारों का बहुत वड्डा कतलेआम होया सी तां सुन के हैरान रह गए कहिंदे है अमरीका दे विच गुरद्वारा बाबा मक्खन शाह दा वो इन्ने अमीर लोग ने। सो उन्होंने वास्ते एक हैरानी वाली गल सी ते जदों इस तरह के नाल असी अपनी एक कौमियत के बारे सोचते हैं तो एक जिज्ञासा भी पैदा होती है कि असी कितने हैं वो कितने ने। सो कितना कितना सानू सोचना जरूर पवेगा जी जी। डॉक्टर साहब क्लोजिंग लव्स तुहाडे वल्लों खास करके जो बुक रिलीज एतवार नू होण जा रही उस तों बाद किस तरह लोकी इस किताब नू हासिल कर सकते पढ़ सकते अते ट्रांसलेशन बारे जानकारी जरूर साडी उन बच्चों लई अगली पीढ़ियां लई जो शायद इस वेले पंजाबी नहीं पढ़ सकते बट इस जानकारी तो जुदा ना रहन। बिल्कुल अश्मिता इस तरह होंगे है कि जो तुम कोई इतिहास की खोज कर रहे होंगे हो ना जे तो कापी पेस्ट वर्क करना तो फिर कोई औखा नहीं होंगे तुम चार किताबा चुकियाँ तो एक किताब लिख दिती जे तुम ऑन द फुटस्टैप्स ऑफ द हिस्ट्री जे तुम उत्थे जाके काज करना तो जिन्ना चर ते पिछे एक आर्थिक ताकत नहीं हैगी एक कार्य नहीं किया जा सकता। असी कान सिंह नाभा के काम में वेखते हैं पर वो पिछे नाभा रियासत खड़ी है असी संतोख सिंह के काम में वेखते हैं तो इस पर जींद रियासत खड़ी है। सो इस तरह के नाल ये काम भी ता ही सफल हो सकया कि इस सारे कार्य के पिछे बाबा मक्खन शाह लुबाणा की कमेटी बेशक प्रधान बदलते रहे पर सारे का बराबर का योगदान वो सारे खड़े सके। सो मेरी जी सैकेंड अप्रोच है इस किताब के प्रति यदा दूजा पार्ट मैं चाहना कि जल्दी तो जल्दी आ जाए ये असी तीन चार चीज़ा वेखांगे। पहली गल तो यह है कि जिन्हें थावां ते मैं गया उन्होंने सारे की वीडियोग्राफी की है। सो मेरी पहली अप्रोच तो यह होगी कि इस किताब के उपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बने सारे उन्होंने जीवन की क्योंकि अजकल साडे बच्चे विजुअल नूं ज़्यादा लाइक करते हैं पढ़ते बाद दे विच ने। सो इहदे नाल एक तो असी डॉक्यूमेंट्री का काम करांगे दूसरा जिहड़ी सिंह साहब ने गल की ई बुक्स एंड आडियो बुक्स वो साडियां आउणियां बहुत जरूरी ने उहदे तों बाद असी इहदी पीडीएफ जिहड़ी है जिन्हां ने हार्ड कापी लैणी है वह तो 4 जून नूं इत्थे अवेलेबल होवेगी तो असी बहुत जल्दी उस तों बाद इहदी सारी जिहड़ी पीडीएफ है वह वैबसाइट के उपर पा देवांगे कि किसी बच्चे ने अपने फोन दे विच डाउनलोड करके भी पढ़नी है तो बच्चा पढ़ सकता है। इसी तरह अंग्रेजी ते हिंदी दे विच इहदियां जिहड़ियां ट्रांसलेशन ने उन्होंने ई बुक्स भी होणगियां आडियो बुक्स भी होणगियां ते हार्ड कापी भी होगी क्योंकि जो असीं रैफरेंस की गल करते हैं तो सानूं हार्ड कापी की लोड़ हुंदी है तो उहदे करके कोशिश यही होगी कि इस कमेटी के सहयोग के नाल असीं आउण वाले कुछ महीनों के विच असीं इह तीन काम पूरे कर लईए डॉक्यूमेंट्री पार्ट टू एंड दीआं ट्रांसलेशनस। तुहाडी लिस्ट जिदा असीं कहिंदे टू डू लिस्ट बहुत लंबी हैगी बट तुहाडे लई साडे दर्शकां लई तुहाडी टू डू लिस्ट बहुत सिंपल है इह किताब इस एतवार नूं 4 जून गुरद्वारा साहब बाबा मक्खन शाह लुबाणा दे विच रिलीज हो रही है। इस किताब नूं तुसीं भावें बाद ई बुक पढ़ लो डिजिटल पढ़ लो किथे भी सुन लो पर सब तो पहले तुसीं इहनूं लवो ते इन्नू आप दी फिजिकल कॉपी बच्चियां नू दिखाओ खुद पढ़ो इस जानकारी दे नाल वाकिफ होवो बिकॉज़ ये साडा सारिआं दा इतिहास है।
जिस तरह हाँ जी थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब यह किताब एक बारी फिर रिलीज हो रही है इस एतवार नू पूरी कमेटी दा एंड ऑफकोर्स प्रधान साहब दलेर सिंह जी दा एंड जो साबका इत्थे कमेटी मैंबर्स पहुंचे हैं सारयां दा असीं धन्नवाद करदे हां एक बारी फिर इस किताब नू तुसीं इस एतवार लै सकदे हो खास करके साडे जो लोकल दर्शक हैं हुम हुम आके पहुंचो इस एतवार गुरद्वारा साहब मखण शाह लुबाणा दे विच संत बाबा प्रेम सिंह जी दी बरसी भी मनाई जा रही है ते तुसीं भी उत्थे जरूर पहुंचो परिवार अते सारे दोस्तों समेत उत्थे तुहानू असी भी मिलांगे। इहदे नाल अज प्रोग्राम की समाप्ति करदे हां। सब तो पहले मैं साडे इत्थे सारे आए हुए जो लाइव ऑडियंस मैंबरस हैं उन्हां दा धन्नवाद करदी हां, गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी दलेर सिंह जी, प्रोफेसर मनजीत सिंह जी एंड ऑफकोर्स डॉक्टर सुखप्रीत जी, तुहाडा असी धन्नवाद करदे हां। हुण सानू भी देओ इजाजत, सत श्री अकाल अते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।